हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे वाले क्वेश्चंस, आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर किसकी रहे हैं? गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइस राय। जो ये क्वेश्चन नंबर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ठीक है। 15वां नंबर का क्वेश्चन है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बने हैं, जो बन सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चंस को हमने देखा है और आगे भी अभी देखते रहेंगे। तो अभी हमने आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, सोशल रिफॉर्म्स, इधर की तरफ कुर्जोन, क्लाइव एंड डलहौजी एंड बेंटिक। इससे तो आपको पता लग गया होगा, इधर गौतम गंभीर है जी गवर्नर जनरल, और इधर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ट्रीटीज हैं, तरह तरह के अलायंसेज हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं। तो आपको ये बताना है, ये क्वेश्चंस, ये मध्य प्रदेश में 2008 का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चंस को मैंने इस बोर्ड पे बस इसलिए लिखा है कि यहाँ से आपको एक स्ट्रेटजी पता लग सके कि क्वेश्चंस किस तरह के अभी भी इस चैप्टर से बन सकते हैं, कैसे कैसे नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पिछले ही बार वीडियो में हमने डलहौजी की बात की थी, तो वन का सी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को पार्टीशन कौन किया था? पिछले वाले क्वेश्चन चैप्टर में, वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कुर्जोन और मिंटो, दो ऐसे गवर्नर जनरल बताए जो डिवाइड ऑफ इंडिया, इंडिया को डिवाइड करने में सबसे बड़ा मेजर रोल उनका रहा, उसमें कुर्जोन है पार्टीशन ऑफ बंगाल करने में, तो ऑप्शन नंबर 2 का ए, ठीक। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल कब आया था? तो ये क्लाइव किए थे, थर्ड का सी। सोशल रिफॉर्म कौन लाया था? बेंटिक। कैसे कैसे रिफॉर्म्स थे, इस चीज को हमने अपने लेक्चर क्लास में पढ़ा हुआ है। और ये रिफॉर्म था सतीश प्रथा को खत्म किया, ठीक, स्लेवरी को कम बंद किया, ठगी को कम किया, ये सब कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए ध्यान से, और अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी आपके सामने दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। हु कंपेयर कुर्जोन विद औरंगजेब। ये वीडियो लेक्चर में एक जगह मैंने इस चीज को बताया हुआ है, ये क्वेश्चन से आपका पूछा हुआ है, हु कंपेयर कुर्जोन विद औरंगजेब, कुर्जोन को औरंगजेब से किसने कंपेयर किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, नोट डाउन कर दीजिए, इम्पोर्टेंट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ध्यान से पढ़ना, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा पहले ही बता देना, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी में समझा देंगे क्वेश्चन नंबर 17 और फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18, दोनों इसी एक बोर्ड पे। तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, और दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले का जो आंसर होगा, पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कब आया था, ठीक है, कैसे आया था, किस एक्ट के तहत आया, तो आप
स्टार मार्क कर लीजिए इस जगह पे, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आया। अब इसी में आंसर नंबर 18 बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 आप बना लीजिएगा। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आप कैसे बताएंगे, तो ये आपका कैसे क्या बताएंगे, आपको याद होना चाहिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे वो विलियम बेंटिक होंगे, विलियम बेंटिक, ठीक है। और स्टार मार्क करके लिखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा किसके तहत, किस एक्ट के तहत, किसके तहत ये बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक किस एक्ट के तहत बने थे, तो आप लिखिएगा चार्टर है 1883, चार्टर है 1883, सॉरी माफ कीजिएगा, चार्टर है 1833, चार्टर है 1833 के तहत, चार्टर है 1833 के तहत विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये मत सोचना कि इंडिया कहाँ लिखा हुआ है, तो बंगाल। क्वेश्चन नंबर 18 को मैंने इसी बोर्ड पे लिख दिया, इसी क्वेश्चन के साथ रिपीट कर दिया है, नहीं तो फिर लिखना पड़ता ना यार। तो क्वेश्चन नंबर 18 को मैंने यहाँ लिखा है आंसर बना के, बंगाल की जगह इंडिया लिखना, और वहाँ पे ये क्वेश्चन है, आंसर होगा विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 के तहत बने थे, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बने थे, ठीक है। दो क्वेश्चन इस बोर्ड पे सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर है 19। एट द टाइम ऑफ इस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, UPPCS 2014 का क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जब एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। सोचिए इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं, पीसीएस के क्वेश्चन, UPPCS 2014, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी जिसकी कलकत्ता में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, हो सकता है आपको आंसर पता चल गया हो। तो इसके गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल उस टाइम, कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लिखता हूँ वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। कब हुआ था, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता में, एशियाटिक सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कलकत्ता में हुआ था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो वारेन हेस्टिंग थे। और इसका डेट याद रखिए कि कब हुआ था, तो 15 जनवरी 1784, UPPCS मेंस का एक क्वेश्चन है 2014, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तब तक इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और इस मेजर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से लगा लिए प्रैक्टिस के, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ठीक है, हॉट क्वेश्चन देखे, पढ़ तो लिया गया जी, चैप्टर तो पढ़ लिया गया, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
वो क्वेश्चंस कहाँ से आपको मिलेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आगे, ये सब आप कैसे जानेंगे जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, जब कोई आपको बताने वाला मिलेगा, जब कोई आपको समझाने वाला मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को लिखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को रिपीट होते देखा है 41st BPSC, 47th BPSC, ठीक है, JKPSC, झारखंड PCS, तीन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना जानना। हु एबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को किसने एबॉलिश किया था, वारन हेस्टिंग को। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने लेक्चर क्लास में इस चीज को समझाया भी हुआ है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, हटाया कौन, वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग ने हटाया। इसको क्यों हटाया गया, ठीक है, डिप्टी दीवान मोहम्मद रजा खान और राजा सीतब राय, दोनों जो डिप्टी दीवान बनाए गए थे बंगाल और बिहार के, उनको हटाने वाले वारन हेस्टिंग थे, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट को खत्म करने वाले कौन थे, वारन हेस्टिंग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बैठाई गई और वो 1772 में एक डिसीजन लेते हैं कि हम जो है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को हटा देंगे। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, वारन हेस्टिंग थे। ये क्वेश्चन इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तीन बार पेपर में रिपीट हुआ है, थ्री टाइम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमको हिस्ट्री का लर्न करना, याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को लाया कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, हटाया कौन था, वारन हेस्टिंग। तो इस तरह हमने गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइस राय के 20 मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे 1857 के, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें करेंगे। बहुत सारे अभी क्वेश्चंस और हैं जो बनेंगे, मैंने 50 क्वेश्चन लिखा है तो कंप्लीट तो जरूर करेंगे, मगर आज यहीं पे इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर का नाम होगा रिवोल्ट, मजा आएगा, रिवोल्ट ऑफ 1857। मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना यहीं से शुरू हुई होती है। वीडियो ऑन है कि नहीं, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 दिख रहा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 थोड़ा सा, ठीक है। यहां से आपको मॉडर्न हिस्ट्री एक अलग ही लेवल पे जाते हुए दिखेगी, कहां से कहां जाएगी, ठीक है, कहां से कहां का मतलब कुछ और नहीं होने वाला है, होगा वही चीजें, मगर आपको दिखेंगी कि किस तरह से अंग्रेजों ने हुकूमत अपनी डेवलप की थी, बनाई थी, ठीक, कैसे रिवोल्ट होता है, कैसे युद्ध छिड़ता है, वो युद्ध स्वतंत्रता की तरफ कैसे मुड़ जाता है, कैसे नए नए बड़े बड़े क्रांतिकारी उठते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, कैसे क्या विभाजित होता है, कौन मूवमेंट कब आता है। आगे चल के हम स्वराज की बात करेंगे, बड़े बड़े क्रांतिकारी की बात करेंगे जिसमें दादा भाई नरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे, मॉडरेट की बात करेंगे, क्यों ऐसा हुआ कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे से भिड़ गए, ठीक है। फिर आगे चल के एक सबसे बड़े लीडर निकल के आएंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और फिर उसके बाद से तमाम मूवमेंट्स की बात करेंगे, और जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो तो 1942 तक जाएगा, वो तो बहुत आगे है अभी चैप्टर, ठीक है। तो उसकी बस झलक हम इसमें दे रहे हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, कौन सबसे बड़ा लीडर रहा इस रिवोल्ट में। मंगल पांडे का नाम आप लोग सुने होंगे, मंगल पांडे बरकपुर मुटिनी केस हो जाती है, और क्या कारण था उस युद्ध के छिड़ने का, ठीक है, क्या मनोभावनाएं थी लोगों की, किस तरह से लोगों के मानवता को अंग्रेज अस्त व्यस्त कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है। भगत सिंह की बात करेंगे, सुखदेव की बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में अब इंटरेस्ट और जागेगा, ठीक है, क्वेश्चन सी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आप सबको एक बार और थैंक यू वेरी मच जितने न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं, ठीक है, और आपसे
यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ही हमारे ऑडियंस हैं, ठीक है, और दूसरा कोई नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको रास्ते की ज़रूरत है कि क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या मटेरियल हैं, किस तरीके से पढ़ना है। पढ़ते तो हर कोई है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, कितने समय में कवर करनी है, क्या कितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे डिस्कस करने को और देखने को आगे फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।